तेज़ है, सुबह के 7 बजे यहाँ इतनी गर्मी है, अब देख सकते हैं कितनी धूप। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं हूं शशांक राज और आप देख रहे हैं SREM व्लॉग्स। तो अभी जो है 7 बज गए, थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो 7 बज गए अभी। मैं सो के उठा हूँ, अभी लग रहा होगा आपको देखो मेरे आँख से कि मैं सो के उठा हूँ जस्ट। तो अभी मैं फ्रेशअप होकर थोड़ा काम करूँगा ऑफिस का, उसके बाद आपसे मिलूँगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। दिखा ना कितनी सारी फिश थी, ऐसे ही नीचे मिलता है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे आपको फिश मिलेगा, ऐसे ही बैठे रहता है और अलग अलग वैराइटीज़ के आपको फिश मिल जाएंगे। आप बस नीचे जाना है आपको और लेके आना है। क्या गजब की बारिश हो रही है, देखो इतनी तेज बारिश हो रही है लास्ट 15 मिनट से, देखो आप देख पा रहे हो। अभी मैं नहाने गया था, नहा के बाहर आता हूँ, देखता हूँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है। जिसके आवाज़ सुन रहे होंगे, बादल इतना तेज़ गरज रहा है। अभी आपने देखा ना कितना तेज़ बारिश हो रहा था, मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रहा है, आवाज़ सुन रहे हैं कितना तेज़ आवाज़ है। चलिए मैं बारिश का मज़ा लेता हूँ, गर्मी थोड़ी कम हुई है। देखो आधे घंटे हो चुके हैं, अभी भी बारिश हो ही रही है, कितना पानी जम गया। अभी भी बारिश हो रही है, देखो खिड़की खुला था, ये गीला हो गया, कर्टन गीला हो गया। चलिए थोड़ा बाहर घूम के आया जाए, शाम हो गई है, 8:30 बज रहे हैं। चलिए घूमते हैं, देखते हैं, ऐसे एक दो काम है और वो काम ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे फिर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको रोड पर। तो चलिए हम बाहर निकल चुके हैं और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी बारिश हुई है, लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही है। अच्छा हुआ मौसम ठंडा हो गया, बारिश ज़रूरी था। हम सोचे थे आज शाम में निकलेंगे, शाम में मतलब जब अंधेरा होने से पहले, लेकिन तभी इतनी बारिश हो रही थी कि बाहर जा ही नहीं पाए। बारिश में भींग के तो घूमने से फ़ायदा नहीं है। इसीलिए तभी निकल नहीं पाए, अभी निकलते हैं, अभी एक दो काम है, वो काम ख़त्म करना है और उसके बाद ये देखो यहाँ पे पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, कभी कभी मैं खाता हूँ, लेकिन इट्स टू ऑयली इसीलिए ज़्यादा नहीं खाता। यहाँ पे मेरा बाइक होता है सर्विसिंग, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। इस सीधा जाएंगे तो सीधा निकल जाएंगे एक्रोपोलिस मॉल के साइड, और अगर राइट लेके निकलेंगे तो इधर हालतू है, इधर हालतू जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको बस या ऑटो हर जगह मिल जाएगी कहीं भी जाने के लिए। इस वाले एरिया कहते हैं हाजरा बाजार, हालतू मेन रोड, ये हालतू मेन रोड है पूरा, ये मार्केट एरिया है। देखो रात में फिश कितनी बड़ी मछली थी। इस एरिया से आगे जाके हम वो रूबी से आगे निकल सकते हैं अंदर अंदर, अगर आपको मेन रोड से नहीं जाना है तो इधर जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत घूमना पड़ता है, बहुत अंदर अंदर है, एक दो बार मैं गया हूँ।
अब थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया हो जाता है। ये सामने भी इधर भी रेजिडेंशियल है पूरा, इधर से भी मैं घर जा सकता हूँ, लेकिन बहुत अंदर अंदर घूमना पड़ेगा। देखो सिटी बस, मियो अमोरे, ये केक शॉप है यहाँ पे, ये यहाँ का ब्रांड है। दो है, एक मॉन्गनीज है, एक मियो अमोरे। अब आएगा बड़ा सा ब्रेकर, दो ब्रेकर है यहाँ पे लाइन से। ये एक ब्रेकर तक क्रॉस हो गया है, लेकिन दूसरा ये दूसरा ब्रेकर का कोई ऑप्शन नहीं है, चढ़ना ही पड़ेगा। आज ज़्यादा नहीं घूम रहे हैं, थोड़ा सा ही घूम रहे हैं। क्योंकि आज मूड नहीं है घूमने का, आजकल काम वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, इसीलिए घूमना कम हो गया है मेरा। देखो तो बस वाले क्या लाइट लगाए हैं। चलो नहीं कुछ तो सामने वाले मार्केट से ही घूम के आते हैं, देखते हैं आम है क्या, आम लिया जाए। इतने बारिश हुई, देखो अभी तक पानी जमा हुआ है। आज बहुत गजब की बारिश हो रही थी। इस मार्केट में हमेशा भीड़ ही रहता है, आप कभी भी आ जाओ, मॉर्निंग हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, हर वक्त। देखो मार्केट में कीचड़ हो गया, ये का है, इधर खुद गया, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, हर तरफ। आम लेना है यार, ढंग का आम नहीं मिल रहा है। क्योंकि बारिश हो गई ना तो सब वापस चले गए। एक यहाँ पे आम वाला है, इसको देखते हैं। आम तो ले लिए, आम मिला मुझे 45 रुपीस किलो। अभी आम का सीजन है, आम खाना चाहिए। कहाँ भाई, कहाँ हो गया? आजकल कुत्ते भी कंफ्यूज रहते हैं, जाना किधर है। चलिए खाना वाना हो गया है, वीडियो एडिट भी हो चुका है, अब बस सोना है, क्योंकि बज गए हैं, अभी बज रहे हैं 12, अब सोना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।